Hey everyone, I'm Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to this recruiter workshop. This is day 3 and let's have a quick recap. A quick sa recap dekhte hain. First day 1 mein humne check kiya tha. Introduction to recruitment. Recruitment kya hai, kaun kaun se elements hain, key functions hain, kya importance hai, current trends and challenges kya hai. डे टू में हमने डिस्कस किया था हाउ टू अंडरस्टैंड जॉब रिक्वायरमेंट्स. जॉब रिक्वायरमेंट्स को हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं और बहुत ही डिटेल में हमने ये समझा था. नाउ आज है बहुत ही इंटरेस्टिंग डे 3 एंड दिस इज सोर्सिंग स्ट्रेटजीज. सो सोर्सिंग स्ट्रेटजीज से पहले समझ लेते हैं कि सोर्सिंग एक्चुअल में क्या है. बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में अगर आपने ये डे 1 डे 2 नहीं देखे हैं तो प्लीज पिन कमेंट से जरूर देख लें. सेशंस थोड़ा सा डिले में आ रहे हैं, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट यस ये सेशंस सारे आएंगे, वर्कशॉप्स कंप्लीट होंगी. एक स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस की वर्कशॉप है, वो स्टार्ट नहीं हो पाई है, सिर्फ एक इंट्रो सेशन आया है, उसको चेक कर लें, वो भी कंटिन्यू होगी. यू पीपल आर आस्किंग मी अगेन एंड अगेन कि मैम क्या है सेशंस क्यों डिले हो रहे हैं. कुछ थोड़ा सा वर्क ज्यादा चल रहा है इसलिए सेशंस डिले हो रहे हैं, राइट. बट यस सारे सेशंस आएंगे एंड आपकी क्वेरीज भी सॉर्ट होंगी. फ्यू डेज से मैंने आपकी क्वेरीज भी सॉर्ट नहीं करी हैं, तो यस होपफुली इसके आसपास आपकी क्वेरीज भी बहुत सारी सॉर्ट हो जाएंगी, राइट. सो चलिए चलते हैं स्ट्रेट अवे. कहां पे चल रहे हैं हम? चल रहे हैं सोर्सिंग स्ट्रेटजी. सोर्सिंग का मतलब क्या है? सोर्स स्टार्ट कहां से कर रहे हैं हम क्या चीज ले रहे हैं? यहां पे हम बात कर रहे हैं हमें कैंडिडेट्स चाहिए. हमें कैंडिडेट्स चाहिए हैं जिनको हम फिल्टर कर सकें, जिनको हम स्क्रीन कर सकें, इंटरव्यू के लिए बुला सकें एंड फाइनली एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू हायर कर सकें. तो हम उन्हें कहां से ढूंढेंगे? बात ये हो रही है सोर्स क्या है. ये जो ढूंढने का प्रोसेस है इसके बारे में सारी कहानी है कि कौन कौन से ऐसे वेज होंगे जहां से हम इन्हें ढूंढ पाएंगे. ओके, सो दिस इज एक्चुअली सोर्सिंग. तो इसमें सबसे पहली स्ट्रेटजी आती है हमारे जॉब पोर्टल्स या फिर जॉब बोर्ड्स. अब क्या है ये है जैसे कि आपका लिंक्डइन है, ये है जैसे कि आपका Naukri.com है, ये है जैसे कि आपका टाइम्स जॉब है, ये है जैसे कि ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म जिसपे आप खुद जॉब पोस्ट करते हैं एज एन एम्प्लॉई, एज अ कैंडिडेट. एज अ कैंडिडेट अगर आपको जॉब ढूंढनी है तो आप क्या करते हैं? आप सर्च करते हैं जॉब्स और फिर आपको वहां पे बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स मिल जाते हैं, बहुत सारी एक्चुअली वेबसाइट्स आ जाती हैं जहां पे शो होता है कि ये वेबसाइट. अगर चलो आपको रिक्रूटर की जॉब चाहिए तो आप क्या करते हैं? रिक्रूटर जॉब्स इन जहां पे भी है या फिर रिक्रूटर जॉब्स, तो आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाती है, राइट. वहां पे आप क्या करते हो? किसी भी एक को क्लिक करते हो और वहां पे जाके चेक करते हो कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल है. वो जॉब्स किसने पोस्ट करी है? वही रिक्रूटर ने करी है, वही एचआर ने करी है और यही बात हो रही है. ये है हमारे जॉब बोर्ड्स, जॉब पोर्टल्स, वो वेबसाइट्स जहां पे आपको वो जॉब दिख रही है. जैसे कि मुझे दिखी Naukri.com पे, तो यही Naukri.com की बात हो रही है. यही Naukri.com का एक लॉगिन आईडी पासवर्ड है मेरे पास एज अ रिक्रूटर और मैंने उसको ओपन करा और एज एन एम्प्लॉयर कंपनी के बिहाफ पे मैंने वहां पर जो भी जॉब वैकेंसी है वो पोस्ट कर दी, ठीक है. जैसे कि मुझे चाहिए एक रिक्रूटर ही चाहिए, तो मैंने रिक्रूटर की जॉब वैकेंसी पोस्ट कर दी. कैसे कर दी? उसमें कुछ बेसिक फिल्टर्स हैं जैसे कि जॉब टाइटल, जॉब डेजिग्नेशन, कुछ ऐसे कीवर्ड्स जिससे हमें कैंडिडेट मिल पाए. वो कीवर्ड्स क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्पेसिफिक किसी इंडस्ट्री से चाह रहे हैं, ऐसे बहुत सारे फिल्टर्स और बस मैंने वो जॉब पोस्ट कर दी. ओके, ये है हमारा जॉब पोर्टल, ये है हमारे जॉब बोर्ड्स. यहाँ पे आप लिंक्डइन पे भी ये कर सकते हो. लिंक्डइन पे इजी है, आपने पूरा कंटेंट एक जगह ड्राफ्ट किया हुआ है, अपने एक एमएस वर्ड में कर लिया आपने ड्राफ्ट और वो सारा आपने कॉपी पेस्ट किया और एक पोस्ट डाल दी पूरी कि रिक्वायर्ड दिस दिस दिस. नाउ रिक्वायर्ड दिस दिस की जगह आपके बहुत सारे वेज हो सकते हैं जॉब को पोस्ट करने के, बहुत सारे तरीके के कंटेंट हो सकते हैं. डियर कैंडिडेट और रिक्वायर्ड जॉब वैकेंसी फॉर दिस पोजिशन. ओके, ये आप कितना ही अच्छा कंटेंट बना सकते हो अट्रैक्ट करने के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे, राइट. सो दिस इज एक्चुअली जॉब पोर्टल्स. बहुत सारे जॉब पोर्टल्स अवेलेबल हैं. कुछ जॉब पोर्टल्स पेड होते हैं, लाइक कंपनी को कुछ सर्टेन अमाउंट 1 ईयर के लिए या कुछ मंथ्स के लिए पे करना होता है और हमें उसका एक्सेस मिल जाता है लॉगिन आईडी का. उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है जहां पे हम कैंडिडेट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, राइट. और कुछ अनपेड पोर्टल्स होते हैं जहां पे आप पोस्ट करते रहो वैकेंसी एंड आपको कैंडिडेट्स मिलते रहेंगे. कैंडिडेट्स वो वैकेंसी जॉब भी देखेंगे और अप्लाई करने के बाद आपके पास उनके प्रोफाइल्स आ जाएंगे, राइट. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ जॉब पोर्टल, जॉब बोर्ड्स. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने इसको बहुत प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है. एचआर रिक्रूटर की प्लेलिस्ट है, वहां से आप डिटेल सेशंस देख सकते हैं. सिंस एक वर्कशॉप है और मुझे एक डे में आपको सोर्सिंग के बारे में बताना है तो इसको हम यहीं तक रखेंगे. नेक्स्ट हमारा सोर्सिंग मेथड हो सकता है सोशल मीडिया.
नाउ आप सोच सकते हो कि जॉब पोर्टल्स और सोशल मीडिया में कुछ खास फर्क नहीं है, लेकिन नहीं, यहाँ पे फर्क है। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे फेसबुक की, यहाँ पे यूट्यूब की, यहाँ पे मैं एक्स की बात कर रही हूँ। यहाँ पे आप अपने पेजेस बना सकते हैं, यहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर ये चीजें बहुत जल्दी स्प्रेड होती हैं, बहुत जल्दी जॉब्स की पोस्टिंग्स लोग शेयर करते हैं और ये होती हैं, और कैंडिडेट्स एक्सप्लोर करते हैं और हमें बहुत अच्छे कैंडिडेट्स मिल सकते हैं, राइट? सो यहाँ पर आप अपने पेजेस बना सकते हैं, अपने कंपनी का पेज बनाएं, एंड प्लीज इंश्योर करें कि आपकी पोस्टिंग्स जो हैं, जॉब पोस्टिंग्स जो हैं, वो प्रोफेशनल ही हो। ऐसा ना हो कि वो प्रोफेशनल ना हो तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। ओके, सो दिस इज सोशल मीडिया। नाउ जॉब पोर्टल्स पे मैंने लिंक्डइन भी डिस्कस किया था, naukri.com भी डिस्कस किया था, और यहाँ पर भी मैं सोशल मीडिया में लिंक्डइन को इंक्लूड करूंगी। वो ऐसे कि अगर आपने कोई भी अपनी कंपनी का पेज नहीं बनाया है, आप एक इंडिविजुअल हैं, एज ए रिक्रूटर काम कर रहे हैं, फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, या किसी कंपनी को भी रिप्रेजेंट कर, तब भी आप अपने प्रोफेशनल अकाउंट से जॉब पोस्टिंग शेयर कर सकते हैं। दैट विल कम अंडर सोशल मीडिया ओनली। ओके, सो लिंक्डइन को आप दोनों जगह इंक्लूड कर सकते हैं, राइट? अगर आप लिंक्डइन का प्रीमियम लेते हैं तो यस, आप उसको जॉब पोर्टल्स में कंसिडर कर सकते हैं, और अगर आपने कोई भी पेड नहीं लिया है, उसका कोई प्रीमियम पे नहीं कर रहे हैं, तो यस, दैट विल बी इन सोशल मीडिया। वहां पर आप कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं एज अ रिक्रूटर। आपने देखा भी होगा वहां पर एक बैच भी आता है जिसमें होता है हायरिंग, तो अगर आप उस बैच को नोटिफाई कर देंगे तो यस, कैंडिडेट्स विल कम टू नो दैट यस, दिस पर्सन इज हायरिंग, तो वो अप्लाई भी करेंगे। ओके, बट यस, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। नाउ ये डेफिनेटली सोशल मीडिया हेल्प करता है एक्टिव और पैसिव कैंडिडेट्स दोनों को टैप करने में। यस, बहुत बार कैंडिडेट्स जॉब नहीं देख रहे होते, जॉब पोर्टल्स पे आप जाओगे, मतलब जॉब स्पेशली सर्च करोगे तो वो जॉब पोर्टल वाला आता है, वहां पर आपको सिर्फ एक्टिव कैंडिडेट्स ही मिलेंगे। यहाँ भी क्या होगा, बहुत बार कैंडिडेट्स नहीं ढूंढ रहे होते जॉब, लेकिन उन्हें अट्रैक्टिव लगती है जॉब, वो तब भी अप्लाई करते हैं, यस, वो मूव भी करते हैं। सो यहाँ पे आपको एक्टिव एंड पैसिव कैंडिडेट्स मिल जाएंगे। टेक्स से भी लोग जो कि ऐसे भी एक्सप्लोर करते हैं सोशल मीडिया को, उन तक जॉब्स रीच होंगी। यस, दे विल शेयर, दे विल अप्लाई, यस, ज्यादा कैंडिडेट्स आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट इज नेटवर्किंग। नाउ नेटवर्किंग क्या है, आप कहेंगे जॉब पोर्टल से भी हम कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, सोशल मीडिया से भी हम ऐसा ही कर रहे हैं, नेटवर्किंग अलग से क्यों? नाउ सी, यस, सोशल मीडिया से आपकी नेटवर्किंग होती है, आपके जैसे कनेक्शंस हैं, लिंक्डइन पे आपके कनेक्शंस हैं, तो वो नेटवर्किंग का पार्ट बनते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको नेटवर्किंग स्पेशली क्रिएट करनी होगी। अगर आपको अभी कैंडिडेट नहीं चाहिए, आपको पता है आगे मुझे कैंडिडेट चाहिए या अभी भी चाहिए, सी ये एक विशियस सर्कल है, नेटवर्किंग एक विशियस सर्कल है। बहुत बार हमें आज कैंडिडेट नहीं चाहिए, अगर मेरे पास अच्छी नेटवर्किंग होगी ना तो क्या होगा, तो मुझे आगे जब कैंडिडेट चाहिए होगा तो कैंडिडेट्स टर्न अप होंगे अगर मेरी नेटवर्किंग अच्छी होगी, मैंने बहुत सारे लोगों से कॉन्टैक्ट कनेक्शंस बनाए हुए होंगे, राइट? सो नेटवर्किंग सिर्फ एक दिन में नहीं बनती कि हाँ आपने एक जॉब पोस्ट करी, आप कोई अप्लाई नहीं कर रहा, कोई अप्लाई नहीं कर रहा, कोई मुझे जानता नहीं है, राइट? आप कुछ भी पोस्ट करें, आप लिंक्डइन पे हैं, आप फेसबुक पे हैं, आप कोई भी अपने प्रोफेशन से रिलेटेड आर्टिकल पोस्ट कर सकते हैं। अगेन, उसको बहुत ज्यादा डिबेटेबल ना रखें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप चाह रहे हैं कि आप कनेक्शंस बने और वहां से कनेक्शंस खराब हो जाते हैं, राइट? सो जनरल रखें, जनरलाइज्ड रखें, अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड रखें, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे लोग वहां पे जुड़े, राइट? जैसे कि आप एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से हैं, आप एक फाइनेंस सेक्टर से हैं, तो यस, उससे रिलेटेड आप आर्टिकल्स डाल सकते हैं, तो उससे रिलेटेड जितने भी लोग होंगे वो मैक्सिमम वहां पे कमेंट करेंगे, एंड यस, यू विल रिवॉर्ड, कनेक्शंस बनते हैं इन चीजों से। बी हम्बल, रिस्पेक्टफुल एंड प्रोफेशनल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगेन कहीं ऐसा ना हो कि कनेक्शंस बनने के बजाय और खराब हो जाए। और इसमें क्या आता है, प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं, इंडस्ट्री इवेंट्स हैं, अगर आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ इवेंट्स हो रहे हैं तो ट्राई करें उन्हें ज्वाइन करने की। ओके, विजिट करें उन प्लेसेस को, लोगों से ज्यादा ज्यादा मिले, नेटवर्किंग ऐसे बनेगी, राइट? सो ये हो गए आपके इंडस्ट्री इवेंट्स हो गए, कुछ प्रोफेशनल, अगेन कुछ प्रोफेशनल इवेंट्स हैं जो स्पेसिफिकली रिक्रूटमेंट से रिलेटेड हैं, एलुमनाई नेटवर्क्स हैं, करियर फेयर्स हैं, दे हेल्प लॉट, आपकी नेटवर्किंग इनसे बढ़ती है। नाउ दिस इज वैल्यूएबल फॉर सोर्सिंग हाईली स्किल्ड और सीनियर लेवल कैंडिडेट्स, जो कि बहुत एक्टिवली जॉब्स नहीं देख रहे हैं, लेकिन यस, दे आर ओपन टू अपॉर्चुनिटीज अगर मिलती हैं। ओके, सो अगर आप इंडस्ट्री इवेंट्स में जा रहे हैं, प्रोफेशनल एसोसिएशंस में हैं, एलुमनाई नेटवर्क्स में हैं, करियर फेयर्स अटेंड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये नेटवर्किंग आपकी ग्रो होगी, एंड यस, हाईली स्किल्ड और सीनियर लेवल कैंडिडेट्स से आप मीट करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है आपका रेफरेंस। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हाईली इग्नोर्ड है, हम अक्सर इग्नोर करते हैं। हमारे एम्प्लॉयज हैं, वो रेफर कर सकते हैं सेम इंडस्ट्री और सेम प्रोफाइल के कैंडिडेट्स को, लेकिन हम उसे इग्नोर करते हैं,
या फिर हमारा एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है इसको मैनेज करने के लिए. हमें यहाँ पे क्या करना है, जो हमारे करंट एम्प्लॉयज है उन्हें एनकरेज करना है कि वो रेफर करें एम्प्लॉयज को. इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर सेम प्रोफाइल के हैं तो सेम प्रोफाइल के लोग सेम प्रोफाइल के लोगों को जानते हैं. दूसरा, कंपनी कल्चर को वो जानते हैं तो वो उन्हीं कैंडिडेट्स को रेफर करेंगे जो कि उस कंपनी में सेट हो सकता है. इसमें एक चीज तो है कि आपको इसका एक प्रॉपर सिस्टम बनाना पड़ेगा. आप यहाँ पर एम्प्लॉय रेफरल प्रोग्राम बना सकते हैं जिसमें आप इंसेंटिव्स रख सकते हैं. यस, एम्प्लॉयज के लिए आप इंसेंटिव्स रख सकते हैं और वो एक ओपन पॉलिसी होगी. वो कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ जी कुछ हिडन है तो हिडन कमीशन दे रहे हैं. नहीं, वो इंसेंटिव्स एक ओपन पॉलिसी है, आप उसे रख सकते हैं जिससे एक एम्प्लॉय एनकरेज हो ये करने के लिए. अदरवाइज ये हो सकता है कि यार ठीक है चलो ये प्रोग्राम है लेकिन मैं क्यों करूं रिकमेंड. ओके, नाउ इस केस में बहुत बार होता है कि हमें एक हाई क्वालिटी कैंडिडेट्स मिलते हैं क्योंकि एम्प्लॉयज जानते हैं तो वो उसी कैंडिडेट को रिकमेंड करते हैं यहाँ पे. और करंट एम्प्लॉयज का भी बेनिफिट होता है और एनकरेज भी रहते हैं करंट एम्प्लॉयज कि यस वी आर बीइंग वैल्यूड, वी आर बीइंग आस्क्ड. यस, आस्क्ड आल्सो, क्योंकि हायरिंग सिर्फ ऐसे नहीं चल रही है कि हाँ किसी को भी हायर करके दे दिया. मेरे डिपार्टमेंट में अगर हायरिंग है तो मुझसे पूछा जा रहा है, मुझे कहा जा रहा है कि यस आप भी रिकमेंड कर सकते हैं किसी को. ओके, राइट. तो ये थे कुछ तीन मेथड्स जिससे हम सोर्स कर सकते हैं. सोर्सिंग स्ट्रेटजीज हैं ये. डिटेल सेशंस मैंने बहुत सारे सोर्सिंग स्ट्रेटजीज पे बनाए हुए हैं, प्लीज उन्हें आप चेक कर लें एचआर रिक्रूटर की प्लेयर्स से. अब डिस्कस करते हैं कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इन सब ऑप्शंस की. बिकॉज चाहे कितना ही अच्छा सॉलिड प्लान हो, कहीं ना कहीं मैरिट्स डीमेरिट्स होते ही हैं, राइट. सो चलिए चलते हैं, चेक करते हैं. सबसे पहले देखिए, जो हमने जॉब बोर्ड्स जॉब पोर्टल्स डिस्कस किया था उसकी क्या एडवांटेजेस हैं. यस, डेफिनेटली वाइड रीच और लार्ज ऑडियंस तक आप रीच कर सकते हैं. बहुत बड़ा रीच है क्योंकि हर कोई जॉब सर्च कर रहा है. मैं जब जॉब सर्च कर रही हूं तो यस वो जॉब आ रही है, ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे मिल सकते हैं. इजी है यूज करना और मैनेज करना वो एप्लीकेशंस. यस, एक क्लिक पर सारी जॉब्स की डिटेल कैंडिडेट के पास पहुंच जाती है. और यस, क्विकली जनरेट कर सकते हैं हम लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स. यस, वी ऑल नो मास मेलिंग है तो हम बहुत ज्यादा जल्दी बहुत सारे कैंडिडेट्स तक रीच हो सकते हैं. ओके, चलिए अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या हो सकती है. देखिए ये क्या है, यहाँ पे हाई वॉल्यूम ऑफ कैंडिडेट्स तो मिल गए लेकिन बहुत चांसेस हैं कि अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स भी आपको मिल जाए, क्योंकि जो कीवर्ड्स हैं उसमें से अगर कोई एक कीवर्ड भी मैच हो गया तो वो कैंडिडेट भी आपको मिल जाएगा. इसीलिए लेस इफेक्टिव है नीश रोल्स के लिए या फिर हाईली स्पेशलाइज्ड पोजीशंस के लिए भी. ओके, जहां पे हाईली स्पेशलाइज्ड पोजीशंस है वहां पे ये नहीं चल पाएगा. थर्ड पीस इसे रिलेटेड है. देखिए बहुत चांसेस हैं कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाए, पोटेंशियल फॉर इंफॉर्मेशन ओवरलोड, राइट. बहुत ही यू नो जॉब पोस्टिंग्स क्या है, बहुत ही जनरलाइज्ड हो जाती है, बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं हो पाती कई बार, क्योंकि बहुत बार ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो लार्जर ऑडियंस को अट्रैक्ट तो करते हैं लेकिन वो सारे कैंडिडेट्स हमारे फिल्टर्स के अकॉर्डिंग नहीं होते. ओके, नेक्स्ट सोशल मीडिया. देखिए इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम पैसिव कैंडिडेट्स को एक्सेस कर सकते हैं जो कि जॉब एक्टिवली नहीं देख रहे. ये बहुत ही एडवांटेजियस है बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी एक्टिवली नहीं देख रहे हैं लेकिन शायद हमारी जॉब पोस्टिंग देखने के बाद वो जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं, इंटरेस्टेड हो सकते हैं. यहाँ पे एबिलिटी है टारगेट करने की स्पेसिफिक डेमोग्राफिक्स और प्रोफेशनल ग्रुप्स को, राइट. अगर मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कर रही हूँ इसको पब्लिसाइज, इसको एडवर्टाइज, तो बहुत चांसेस हैं कि जिससे मैं कनेक्टेड हूँ, जिस प्रोफेशनल ग्रुप से मैं कनेक्टेड हूँ, मैं उसे टारगेट कर पा रही हूँ. ओके, इनहेंस कर सकता है ये एम्प्लॉय की ब्रांडिंग थ्रू एक्टिव इंगेजमेंट. ओके, कैसे? अब देखिए एम्प्लॉयर का ब्रांड कैसे, मैं एम्प्लॉयर के ब्रांड पे ही तो बात कर रही हूँ, एम्प्लॉयर के ब्रांड के बिहाफ पर ही पोस्टिंग्स कर रही हूँ. तो क्या है, जो ब्रांड है मेरी कंपनी का, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का, रिक्रूटर की कंपनी का, रिक्रूटर के ऑर्गेनाइजेशन का, वो हाईलाइट हो रहा है बार बार, एक्टिवली इंगेज हो रहे हैं हम उसमें. ठीक है, देखिए डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि यू नो एक्टिवली अगर आप बहुत ज्यादा प्रेजेंट है तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है. बिकॉज क्या होता है, एक लूप है, आपने कुछ पोस्ट करी, नीचे रिप्लाईज आए, आप उस पोस्ट पर रिप्लाई करने में लगे हुए हो, बहुत ज्यादा कई बार मैसेजेस हो जाते हैं, कमेंट्स हो जाते हैं, आप उसी में लगे हुए हो, आगे काम नहीं बढ़ पा रहा, राइट. तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है. एंड नॉट ओनली दिस, यस आप जगह जगह जब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर इसे पोस्ट करते हो तो यू हैव टू रिप्लाई, राइट. खाली ये नहीं है कि आपने कंटेंट पोस्ट किया तो वो कमेंट्स है तो आप उनके रिप्लाई कर रहे हो, लेकिन बहुत ऑथेंटिक आपको रिप्लाई करने भी पड़ते हैं. मीन्स खाली ये जनरलाइज्ड कंटेंट्स के लिए नहीं है, जॉब पोस्टिंग्स आप कर रहे हो सोशल मीडिया पे
तो भी वहां आपको एक्टिव रहना पड़ेगा और ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। यहाँ पे देखिए एक्सपर्टीज भी रिक्वायर्ड होती है सोशल मीडिया मार्केटिंग में। ऐसा नहीं है कि हर किसी ने पेज बना लिया, हर किसी का हाईलाइट हो जाएगा। कुछ चीजें हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जब आप सोशल मीडिया पे हो तो मार्केटिंग के लिए वो चीजें इम्पोर्टेंट हैं, एंड यस वहां एक्सपर्टीज चाहिए। रिस्क है अनप्रोफेशनल कंडक्ट का अगर नहीं मैनेज हो पाया प्रॉपरली। देखिए हर किसी का वे अलग होता है रिप्लाई करने का। आपने एक पोस्ट कर दी, ठीक है चलिए वो एक डिफाइंड पोस्ट थी, मुझे दी गई थी कि जॉब पोस्टिंग आप पोस्ट कर दो, उसके बाद जो कमेंट्स आ रहे हैं मैं उसका कैसे रिप्लाई कर रही हूँ। अगर मेरे रिक्रूटर्स मेरे एचआर ठीक से रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, अनप्रोफेशनल है, तो ये बहुत बड़ा रिस्क है कि एम्प्लॉयर ब्रांडिंग भी इफेक्ट हो सकती है इससे। एंड यस ऑब्वियसली कैंडिडेट्स वर्ड ऑफ माउथ से जाएंगे, कैंडिडेट का एक्सपीरियंस भी नेगेटिव ही जाएगा। तो यस उल्टा एडवांटेज होने की बजाय डिसएडवांटेज होगी एंड लोग अप्लाई ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज देखिए नेटवर्किंग के क्या एडवांटेजेस है। ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स बिल्ड होते हैं इससे, लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाई पोटेंशियल फॉर फाइंडिंग क्वालिटी कैंडिडेट्स थ्रू ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट्स। यहाँ पे आपको ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट्स मिल जाते हैं क्योंकि आप नेटवर्किंग बहुत समय से कर रहे हो, आपको पता चल गया बहुत सारे लोग आपसे जुड़े, आपको समझ आया नहीं यार यहाँ से कनेक्शन नहीं बनाना चाहिए, तो आपने वहीं पर छोड़ दिए। लेकिन जब आप बहुत समय से नेटवर्किंग कर रहे हो तो यस ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट्स आपको मिल जाएंगे, आपको ट्रस्ट होने लगेगा कि हाँ यार ये ऑथेंटिक पर्सन है, इनसे आगे फ्यूचर में हमें भी बेनिफिट है, इन्हें भी हमसे बेनिफिट है, दे आर प्रोफेशनल्स एक्चुअली। एंड यस यहाँ पे इफेक्टिव है सीनियर और स्पेशलाइज रोल्स के लिए, स्पेशली नेटवर्किंग हेल्प करती है सीनियर और स्पेशलाइज रोल्स के लिए, बिकॉज सीनियर्स स्पेशलाइज इतनी जल्दी कहीं पे भी मूव ऑन नहीं करते हैं, उन्हें ट्रस्ट फैक्टर उनके लिए बहुत मैटर करता है, राइट। नेक्स्ट इज देखिए इसमें डिसएडवांटेज क्या हो सकती है। टाइम इंटेंसिव है ऑब्वियसली, रिक्वायर्स की ऑन गोइंग एफर्ट चाहिए ही चाहिए, तो यस ये टाइम इंटेंसिव है। लिमिटेड है रिक्रूटर्स के पर्सनल और प्रोफेशनल नेटवर्क तक, मतलब यस आप कंपनी के बिहाफ पे कर रहे हो, ठीक है लिमिटेड है। क्यों है? क्योंकि रिक्रूटर का नेटवर्क एक्चुअली बढ़ रहा है, ठीक है वो कंपनी के बिहाफ पे कर रहा है लेकिन कहीं ना कहीं रिक्रूटर का नेम आ रहा है, तो यस ये एक डिसएडवांटेज भी हो जाता है कई बार कि रिक्रूटर का अपना ब्रांड बढ़ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का उतना नहीं बढ़ पा रहा है। और एडवांटेज भी होता है कि अगर मेरे पास एक ऐसा रिक्रूटर है जिसकी अच्छी नेटवर्किंग है तो यस वो मुझे हेल्प करेगा, लेकिन यहाँ पे हम डिसएडवांटेजेस में इस पॉइंट को कंसिडर करेंगे। और यस ये लेस स्केलेबल भी हो सकता है कंपेयर टू अदर मेथड्स, पता नहीं कितनी नेटवर्किंग रीच होगी, सही लोगों तक रीच हो पाएगी नहीं हो पाएगी। ओके नेक्स्ट इज देखिए रेफरल्स, या इसके क्या एडवांटेजेस है। हाई क्वालिटी कैंडिडेट्स मिलते हैं क्योंकि हमारे करंट एम्प्लॉयज उन्हें रिकमेंड कर रहे हैं, एम्प्लॉय को पता है यार अगर ये कैंडिडेट सही नहीं मिला तो अगली बार मुझे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में बोला जाएगा इस बारे में। फास्टर हायरिंग प्रोसेस रहता है, क्यों? क्योंकि जो प्री स्क्रीनिंग है वो रेफरल्स से होके आती है। यस हम फॉलो करते हैं प्रॉपर प्रोसेस रिक्रूटमेंट का, बट स्टिल कहीं ना कहीं जिन फैक्टर्स को हम देख रहे थे जैसे बेसिक चीजें या कम्युनिकेशन अच्छा है नहीं है, आईटी स्किल्स है नहीं है, वो सब ऑलरेडी जो एम्प्लॉय हमें रेफर कर रहा है वो देख चुका होता है, राइट तो वो बहुत ही जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट इज इनहांस होता है ऑब्वियसली एम्प्लॉय एंगेजमेंट और सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय जो एक मोटिवेशन फील करता है यार मुझे भी कुछ समझा जा रहा है मुझसे भी पूछा गया, वो जरूर इंक्रीज होता है। यहाँ पे देखिए डिसएडवांटेज कैसे हो सकती है, ये यू नो यहाँ पे डाइवर्सिटी रिड्यूस हो सकती है। एक ही टाइप के कैंडिडेट आप रेफर कर रहे हो, मतलब चलो एक कास्ट से एक जेंडर से एक रिलीजन से कम्युनिटी से कर रहे हो, क्यों? क्योंकि जैसे मैंने किसी एम्प्लॉय से कहा उसका क्या है, उसका जो रेफरेंस है या उसका जो फ्रेंड सर्कल है या प्रोफेशनल सर्कल है वो एक ही टाइप का है, तो वो वैसे ही पीपल को रिकमेंड कर देता है, तो मेरा क्या हो रहा है एक ही डिपार्टमेंट में एक ही तरीके के लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं, ठीक है मीन्स का इधर जेंडर कास्ट कम्युनिटी रिलीजन कुछ भी आप कहिए, तो यहाँ पे डाइवर्सिटी रिड्यूस होती है, ओवर रिलायंस हो जाती है जो कि यू नो लिमिट कर सकती है कि हम ज्यादा कैंडिडेट्स तक रीच कर पाए। हम कह रहे हैं यार चलो एम्प्लॉय ही कर रहा है, एम्प्लॉय ही हमारे लिए कर देगा, ठीक है एम्प्लॉय ही रेफर कर देगा, हम थोड़ा सा हमने लिमिट कर लिया अपने आप को, चलो यार ये दो चार पोजीशंस तो एम्प्लॉय फिल करा देते हैं हम और दो चार को देखते हैं, तो हमने कहीं ना कहीं अपने आप को लिमिट कर लिया कि यार चलो एम्प्लॉय रेफर करेगा दो तीन लोग हम उनमें से लोगों को हायर कर लेंगे, तो वो जो वास्ट कैंडिडेट पूल था जो लार्जर ऑडियंस थी हम वहां तक रीच हुए ही नहीं। नेक्स्ट इज देखिए यहाँ पर बायसनेस और फेवरेटिज्म का फैक्टर बिल्कुल आ सकता है हायरिंग प्रोसेस में। अगर मुझे एज अ रिक्रूटर किसी को कोई एम्प्लॉई पसंद है यू नो फेवरेट है फ्रेंड सर्कल है तो कहेंगे यार तुम चलो अपने ही जैसे लोग हायर करके दे दो, मतलब अपने ही जैसे रेफर करके दे दो, ठीक है
तो ये बायसनेस है बिकॉज ऑब्वियसली स्किल्स एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन जो डिजर्विंग है उसको ही आगे आना चाहिए. राइट, सो आई होप सो दिस वाज हेल्पफुल. नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कैंडिडेट स्क्रीनिंग एंड इवैल्यूएशन. अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, सो बी हियर एंड सारे सेशन देखते रहें. कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज ड्रॉप डाउन करें. ओके, सो टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.